आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। धर्मप्रिय बंधुओं, आज हम उस परम पावन तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हुए हैं जहाँ से शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान के चार चार कल्याणक का सौभाग्य इस भूमि को प्राप्त हुआ है। अनेकों अनेक घटनाएं इस भूमि पर घटी हैं। सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव का आहार दान प्रक्रिया यदि कहीं से चालू हुई है तो एकमात्र स्थान हस्तिनापुर ही है। तदुपरांत और भी अनेक घटनाएं और वो रक्षाबंधन महापर्व भी उसकी भी शुरुआत हुई है तो हस्तिनापुर से क्षेत्र से ही हुई है। ये हस्तिनापुर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अनेकों घटनाओं का ये साक्षी रहा है। कौरव पांडवों के विषय में हम सब लोगों को मालूम ही है कि ये उनकी ये कर्म भूमि रही है, और जो 700 मुनियों के उपसर्ग यहाँ पर हुआ वो अपने आप में एक ऐसी घटना थी जो हृदय विदारक घटना थी। उस घटना ने पूरे जैन समाज को आंदोलित किया और आज इसको लाखों वर्ष बीत गए। हम सब लोग रक्षाबंधन तो मनाते हैं परंतु जो उसका सही रूप है उस रूप में उसको हम नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। आज हमारे बच्चे उनको मालूम नहीं है कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। एकमात्र बस जैसा सुन लिया देख लिया कि भाई बहन राखी बांधते हैं, बस इतना वहीं तक हम लोग सीमित हो गए हैं। परंतु वास्तव में ये दिन एक ऐसा दिन है जबकि मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ। ये हमारे लिए कोई खाने पीने का कोई खुशी मनाने का दिन नहीं है। जहाँ 700 मुनि विराजमान हो उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा हो एक हफ्ते तक, जब उनको खाना पीना कुछ नहीं बिल्कुल, जो उस उपसर्ग को सहन कर रहे थे, तो ऐसे मुनिराज ये यहाँ पर कर्म भूमि रही और उन्होंने उसको सहन किया और अंत में यहाँ से अनेकों साधु संत इनको कि यहाँ से मुक्ति की प्राप्ति भी हुई है। तो उसी 700 मुनियों का जो उपसर्ग उसको, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उसको देख सके, समझ सके, जान सके, उसकी यहाँ पर एक बहुत सुंदर यहाँ पर उस घटना को घटित किया जा रहा है। बहुत शीघ्र ही वो घटना यहाँ पर घटित हो जाएगी। भाई सुशील जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र के ऊपर रहा है, और आदरणीय डॉक्टर साहब प्रद्युम्न कुमार जी जो एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हैं उनकी देखरेख में ही ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तो हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं भाई मुकेश जी, उनका तो पूरा इस क्षेत्र पे हम लोग तो कमी आते हैं, कमेटी के लोग तो कमी उनका आना जाना बहुत कम होता है, परंतु ये सारा कार्य जो यहाँ पर सारी व्यवस्था है वो मुकेश जी ही संभालते हैं और इन्होंने इतने अच्छे से संभाला हुआ है। मैं समझता हूँ अगर कोई पदाधिकारी भी यहाँ बैठ जाएगा तो वो इतने अच्छे से उस कार्य को संभाल नहीं सकता। इनका क्षेत्र के प्रति इनका समर्पण है, ये नहीं सोचते कि मैं यहाँ पर प्रबंधक के रूप में, पूरी तरह से समर्पण भाव से वो यहाँ कार्य करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से सबकी सेवा करता है। अब यहाँ पर दशलक्षण महापर्व चल रहा है और इसमें आचार्य भारत भूषण जी महाराज सहसंग यहाँ विराजमान हैं और कल्पद्रुम महामंडल विधान यहाँ चल रहा है जिसमें भारतवर्ष के अलग अलग नगरों से लगभग 120 साधर्मी बंधु आ रहे हैं, आए हुए हैं, जो उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है सब तरह से। मैं अपने सभी साधर्मी बंधुओं से जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार अवश्य इस क्षेत्र पर आएं और आकर के देखें, जो यहाँ की ऊर्जा है वो अपने आप महसूस करेंगे, फिर उनका मन बार बार आने के लिए करेगा। मैं पुनः शांतिनाथ चैनल के माध्यम से जो ये कार्य हो रहा है उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई गौरव जी बड़े अच्छे ध्यानपूर्वक सारा कार्य देखते हैं, पूरे दिन का कार्यक्रम ये अपना यहाँ पर इसमें अपने चैनल से प्रसारित कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ भगवान। मैं सुशील जैन मोदी नगर से, देवादिदेव प्रभु भगवान शांतिनाथ स्वामी का आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे रेगुलर थोड़े थोड़े दिन के बाद
भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करके जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है हृदय को, वो कम सी क्षेत्रों में मिलती है। सो मेरी तो भावना है, और यहाँ की कार्यकारिणी, यहाँ के अध्यक्ष जी और यहाँ के विशेषतः जो हमारे जनरल मैनेजर हैं मुकेश जी, ये लोग जितना ध्यान रखते हैं क्षेत्र पर आने वाले यात्रियों का, क्षेत्र की व्यवस्थाओं का, ऐसा बना रहे, ऐसा बनाए रखें मुकेश जी, और आदरणीय जीवेंद्र जी का आशीर्वाद मुकेश जी पे बना रहे, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की और भी ज़्यादा उन्नति होगी। धन्यवाद। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ चैनल के सभी व्यूअर, जो जितने भी दर्शक हैं, सबको सादर जय जी ने। मैं इस क्षेत्र पर बहुत सालों से आ रहा हूँ, लगभग 50 वर्ष मान लीजिए, और मैं लगभग भारतवर्ष के सभी जैन तीर्थों पर गया। और जो समय शिखर जी है, वहाँ पर जो एनर्जी का प्रवाह है, उसके बाद अगर मुझे कहीं देखने को मिला तो वो हस्तनापुर क्षेत्र पर मिला है। जैसा कि सर्वविदित है, हमारे 24 तीर्थंकरों के 120 कल्याणक होते हैं, 5-5 के हिसाब से। अगर किसी भी तीर्थंकर का कोई एक भी कल्याणक किसी क्षेत्र पर होता है तो उसे तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। और हस्तनापुर समय शिखर जी के बाद एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 12 कल्याणक हुए हैं, 3 तीर्थंकरों के, 4-4, और मलिनाथ भगवान का समो शरण आया है। और इसके साथ भाई साहब ने भी बताया, बहुत घटनाएं जुड़ी हैं। आप एक बार आके देखें, आपका हर महीने आने का मन करेगा। यहाँ पर ऐसा ऊर्जा का प्रवाह है, यहाँ पर आपको कैलाश पर्वत, जम्बू द्वीप, आपको अभी जैसे भाई साहब ने बताया वात्सल्य तीर्थ, 700 मुनियों का जो उपसर्ग आया था, विष्णु कुमार का मंदिर बनने जा रहा है। आप एक बार क्षेत्र पर अवश्य आए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपका बार बार आने का मन करेगा। धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट व शेयर अवश्य करें।